चुटरत राम नाम के। एक सज्जन बड़े संपन्न आदमी कथा में जाते ही नहीं थे, पत्नी ने कहा कि चले जाओ। बड़ी मुश्किल से एक दिन पत्नी के कहने पर गए, लोगों ने देखा कि संपन्न आदमी पहली बार कथा में आया, कथा शुरू नहीं हुई थी, व्यास जी आकर बैठे थे, लोगों ने उन्हें देखा कि आइए 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 आइए, सब लोग आइए आइए, आसन बिछा दिया, कहा बैठिए बैठिए, बैठ गए। कथा शुरू हो इसके पहले ही जाते ही नींद जुड़ाई हुई, सो गए। अब सो गए तो ऐसे आदमी को जगाए कौन, किसी ने नहीं जगाया। कथा पूरी हो गई, व्यास जी भी चले गए, सब श्रोता चले गए, अब वही आदमी बैठा था जिसकी दरी बिछी थी, तो उसने धीरे से जगाया, बोले जाइए, कथा हो गई। हाँ हो गई, बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया। घर पहुंच गए, पत्नी ने कहा कथा सुनी, हाँ सुनी, पर वहां तीन तो शब्द आइए बैठिए जाइए बस। पत्नी ने कहा अभिमानी आदमी है, दोबारा जाएगा नहीं। कहा ये तुम्हारे लिए मंत्र है, कल फिर जाना। तो अपने कमरे में जाकर बैठा, नींद नहीं आ रही थी, कथा में सो के आया, तब घर में कैसे नींद आवे। बिजली बंद कर दी, अब लेटे नींद बैठ गया। पत्नी ने कहा ये मंत्र है, तो मंत्रों का जब करे तो बार बार कहा आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। अंधेरा था, घर में घुसा चोर, चोर ने जैसे ही प्रवेश किया ये बोला आइए। चोर ने कहा किसने देख लिया, तो चोर दबे पांव पीछे खिसकने लगा, तो ये बोला बैठिए। अरे बोले इसने पहचान लिया, तब तक चोर भागा, और भागा तो ये बोला जाइए। चोर ने समझा, पहचान लिया, पकड़वा देगा कल। तो चोर दौड़ा दौड़ा आया, इसी के चरणों में गिर गया, चरण पकड़ ली, जो रुपया पैसा लाया था सो चढ़ा दिया, मुझे बचा। ये घबराया कि मंत्र इतनी जल्दी सिद्ध हो गए, लाइट जलाई, घबराया, और देखा एक आदमी हाथ जोड़े खड़ा, रुपया पैसा, अरे भाई तुम कौन हो। अब वो कहे हो आप तो सब जानते हो, हमसे काहे को कहलाते हो, और ले रुपया पैसा चढ़ा के गया। पत्नी को जगाया कि मंत्र तो बड़ी जल्दी सिद्ध हो गए। पत्नी ने पूरी बात समझ कर कहा कि भगवान की असली कथा से ये झूठे शब्द ले आए और असली चोर तुम्हारे शरणागत हो गया, और जिस दिन कथा से सच्चे शब्द पकड़ लोगे उस दिन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये चोर समर्पित हो जाएंगे। भगवत कथा, लेकिन सोने वाले को तो कथा से कोई लेना देना नहीं। और एक सज्जन तो सोते ही नहीं थे, सपना भी देखते थे, कथा में सो जाएं और सपना देखें। सो गए, बाजार में कपड़े की दुकान थी, सपना देखने लगे, हम दुकान पर बैठे कपड़ा बेच रहे हैं और कथा हो रही है, वो कपड़ा बेच रहे हैं। एक ग्राहक आया, ये कपड़ा क्या भाव दिया, का 5 रुपए मीटर। 5 रुपए मीटर नहीं, कुछ कम करो, 4.5 रुपए मीटर। बोले नहीं 4.5 नहीं, तो वो ग्राहक जाने लगा, तो बोले ले जा 4.5 में। और इतने ही नहीं कहा, ले जा 4.5 में, दो ही हाथ पसार, आगे वाले भक्त को कुर्ता दीन हो फार। वो आदमी कुर्ता पहने बैठा तो उसका कुर्ता फर रहे हो। बोला हद कर दी, कथा सुनते हो कपड़े फाड़ते हो। बोला वो ग्राहक चला जाता तो।
बोले ग्राहक यहाँ दुकान कहाँ कथा में बैठे। सुहाग बोले अरे बोले हम भूल ही गए कि हम कथा में बैठे कि दुकान में बैठे। तो ऐसे लोगों के लिए नहीं, लागी सुने श्रवण मन लाए, मनोयोग पूर्वक श्रवण करने वाले का दुख भाग जाता है। सीता जी बोली इतनी सुंदर कथा सुनाई तो कथा कहने वाले को भी तो देखें। हनुमान जी बोले बस माता कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बिल्कुल बंदर है, ये छिपा रहे सो अच्छा। अच्छा तर्क हम लोग भी देते हैं, पर हम तर्क दूसरे तरह से देते हैं। कोई कहे कि वन में बैठकर भजन करो, हां ठीक है वन तो ठीक है, लेकिन कमरे में क्या बुरा है, वह भी तो एकांत है। किवाड़ बंद कर लिया, आंख बंद करके बैठ गए, थोड़े में क्या बिगड़ता है। हम उल्टे तर्क देते हैं। और तर्क तो ऐसा तीर है जिस दिशा में मोड़ दो उधर ही चल जाता है। इसीलिए महाभारतकार कहते तर्को प्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। हम तर्क किस पक्ष में दे रहे हैं